आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उपराष्ट्रपति के अपमान पर घमासान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के मामले में बुधवार को सियासी घमासान मच गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर गहरा दुख जताया। वहीं विपक्षी दलों ने इसे सांसदों के निलंबन से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। उधर संसद की सुरक्षा में चूक और सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अपमान मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, संसद परिसर में हमारे माननीय उपराष्ट्रपति को जिस तरह से अपमानित किया गया है उससे मैं बेहद व्यथित हूँ। राजद्रोह खत्म लेकिन देशद्रोह में कड़ी सजा मिलेगी। तो लोकसभा ने औपनिवेशिक काल से चले आ रहे तीन आपराधिक कानून के स्थान पर सरकार द्वारा लाए गए विधेयकों को बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह जैसे अंग्रेजों के काले कानून को समाप्त कर दिया गया है, इसकी जगह देशद्रोह कानून लाया गया है। देश के खिलाफ बोलना गुनाह होगा, सशस्त्र विद्रोह करने पर जेल होगी। कोरोना से बचाव को एहतियाती कदम उठाएं राज्य। तो देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और उनके नए उपस्वरूप JN1 ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को राज्यों से कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, सभी राज्य एहतियात कदम उठाएँ। कोरोना एक दिन में 614 नए केस, नए वेरियंट के 21 मामले। तो गोवा, केरल व महाराष्ट्र में JN फर्स्ट वेरिएंट के मिले मामले। हर 3 माह में मॉक ड्रिल करने के निर्देश। देश में कोरोना के मामले में फिर उछाल आया है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में 614 नए केस सामने आए, यह मई के बाद एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं 3 राज्यों में COVID-19 के नए उपस्वरूप वेरियंट JN फर्स्ट के 21 मामले का पता चला है। नर्सिंग अधिकारी भर्ती में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग के लिए चयनित हुए 1300 नर्सिंग अधिकारियों में से कई के स्थायी निवास प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े की शिकायत मिली है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन युवाओं के दस्तावेजों की जाँच कराने का निर्णय लिया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के 138 किलोमीटर हिस्से का काम पूरा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई लाइन के कुल 213 किलोमीटर में से 138 किलोमीटर हिस्से का काम पूरा हो गया है। अंकिता हत्याकांड में पुलकित की जमानत याचिका खारिज। तो हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश रविंद्र मेठाणी की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह एक संगीन अपराध है। कोर्ट में दलील दी गई कि अब तक निचली अदालत में हुई गवाही और उनके बयानों में इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। उत्तराखंड में कल से कई जिलों में बारिश, बर्फबारी। तो उत्तराखंड में 22 दिसंबर से मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने शुक्रवार से कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। गुरुवार को मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देने की संभावना है। 22 को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 23 दिसंबर को हरिद्वार, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश हो सकती है। 22 और 23 दिसंबर को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के 3000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। दिन का पारा भी गिरा। उत्तराखंड के शहरों में दिन में भी तापमान में कमी दर्ज की गई है। दून में जहां दिन का तापमान 23 डिग्री से ऊपर चल रहा था, वहीं बुधवार को यह 21.8 डिग्री दर्ज किया गया। पंतनगर में 4.4, मुक्तेश्वर में 4.5, नई टिहरी में 5.4 न्यूनतम तापमान रहा। मूल निवासियों को स्थायी निवास से छुटकारा। तो राज्य में मूल निवास की पहचान बरकरार रहेगी। राज्य के मूल निवासियों सामाजिक संगठनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए CM पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि इसके तहत राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता बनी रहेगी। नए आपराधिक कानून में भीड़ हिंसा और नाबालिग से दुष्कर्म पर फांसी की सजा।
तो बदलेगा अंग्रेजों के जमाने का कानून। लोकसभा में 97 विपक्षी सदस्यों के बगैर 3 विधेयक को मंजूरी मिली। पन्नू की हत्या की साजिश में अमेरिकी आरोपों पर पहली बार बोले मोदी। तो खालिस्तान समर्थित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश के तार भारत से जुड़े होने के अमेरिकी दावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की प्रतिबद्धता कानून के शासन में है। अमेरिका की ओर से कोई जानकारी साझा की जाती है तो उस पर गौर किया जाएगा। राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र है तो अब स्थाई की जरूरत नहीं। तो सीएम धामी के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश। सैला कोई ज्वेलर शॉप में गैस कटर से लॉकर काटर गहने ले उड़े चोर। तो विक्षोभ चोरों ने दिनेश ज्वेलर्स में गैस कटर से दरवाजा और लॉकर काटकर लाखों के आभूषण चुरा लिए। चोर बगल की दुकान से रस्सी के सहारे तीसरी मंजिल पर चढ़े और एक दरवाजे का ताला तोड़ा, एक ग्रिल और एक दरवाजा काटकर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद इम्तिनान से वारदात को अंजाम दिया। सत्यन चौक के पास स्थित इस दुकान से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस पैकेट है। कुछ सुबह के समय जब मालिक फोन का चार्जर और बिल कुक लेने दुकान में पहुंचे तो चोरी का पता चला। ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला आज होगा। पीआरटी जवानों के रिटायरमेंट की आयु हो सकती है 60 वर्ष। तो प्रांतीय रक्षक दल पीआरटी के जवानों के रिटायरमेंट की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की तैयारी है। इस संबंध में सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। भारत से 10,000 श्रमिक जाएंगे इजराइल भर्ती 17 से। तो हमास में युद्ध के बाद पैदा हुए श्रमिकों के संकट से उबरने के लिए इजराइल भारत से 10,000 श्रमिकों की भर्ती करेगा। शेयर बाजार में गिरावट 931 अंक धड़ाम। तो 8.21 लाख करोड़ रुपए डूबे। तो घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को भारी उतार चढ़ाव रहा। शुरुआती कारोबार में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी चौतरफा मुनाफा वसूली से 1.30% से ज़्यादा टूटकर बंद हुआ। सेंसेक्स 71,000 के नीचे पहुँच गया। बीस वर्षों से सह रहा ऐसा अपमान। तो राष्ट्रपति धनखड़ की नकल उतारे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख। प्रशिक्षित गुरलाओं की मदद के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। तो मुख्यमंत्री ने सुनी प्रशिक्षित एसएसबी गुरलाओं की समस्याएं, दिया आश्वासन। जूनियरों को पदोन्नति पर वन निगम कर्मियों में आक्रोश। सड़कों से जुड़ेंगे 100 से अधिक जनसंख्या वाले जनजातीय क्षेत्र। राज्य कर्मियों को जल्द मिलेगी 4% डीए की सौगात। तो प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को जल्द ही 4% महंगाई भत्ता की सौगात मिल जाएगी। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन कल। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के विपक्षी दलों के 142 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई के विरोध में LICC के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस 22 दिसंबर को उत्तराखंड के सभी जिला एवं महानगर मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। 650 दुग्ध सहकारी समितियां हाईटेक। तो केंद्र से 33 करोड़ रुपए मंजूर हुए। धनगढ़ी नाले पर पुल के निर्माण के लिए गडकरी से मिले बलूनी। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने के लिए अन्य प्रदेशों से भी करेंगे तुलना। तो कैबिनेट मंत्री जोशी ने उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक ली। राज्यपाल से मिले ब्रुनेई युगांडा के भारतीय उच्चायुक्त। समाज संगठनों ने मूल निवास पर सीएम के निर्णय को सराहा। उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत पाटा में खुलेगा उप स्वास्थ्य केंद्र। MI-70 से होंगे ओम पर्वत व आदि कैलाश के दर्शन। खाई में गिरी कार, पिता पुत्र समेत 3 की मौत। तो टनकपुर तवाघाट NH पर पलेटा के पास एक कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में NSUI प्रदेश सचिव और जिला उपाध्यक्ष शामिल हैं। अपने ही वाहन से दबे चालक की मौत। तो लोहाघाट से खबर है, यात्रियों का सामान चढ़ाने के दौरान अपने ही वाहन की चपेट में आकर चालक की मौत हो गई।
काशीपुर में नकाबपोशों ने स्कूल संचालक के घर पर डाली डकैती, तो पिता पुत्र को बंधक बनाया, विरोध करने पर तमंचे के बट से किया हमला। क्रिसमस के स्वागत के लिए हर्षिल और केदारकंठा तैयार, तो क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए उत्तरकाशी के पर्यटन स्थलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिले में बर्फबारी वाले हर्षिल और केदारकंठा ट्रैक तो अभी से पर्यटकों के लिए गुलजार होने लगे हैं। पोस्ट ऑफिस में परिवार से 50,000 रुपये की ठगी की गई। सड़क पर शव रख 5 घंटे किया प्रदर्शन, तो 13 दिन से नरभक्षी के हमले में युवती समेत 3 की मौत पर ग्रामीणों में गुस्सा, नौकरी के आश्वासन पर माने। गुलदार ने टूटे घर को बनाया आसियाना, तो भाबर क्षेत्र के पदमपुर मोटरढाक डुगड्डा ब्लॉक के रामा गांव और लेंसडाउन छावनी क्षेत्र के कई इलाकों में गुलदार के सक्रिय होने से लोगों में दहशत है। वहीं खबर हरिद्वार से, रोचक सुरक्षाकर्मी का शव रखकर किया प्रसन्न, तो परिजनों और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने मृतक सुरक्षाकर्मी का शव फैक्ट्री के गेट पर रखकर प्रदर्शन किया। ख्याल सूर्यपाती शिलाजीत भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ, ड्यूटी से नदारद मिले 10 अधिकारी और कर्मचारी, तो घनशाली से खबर रही है। जायरोकॉप्टर डीएम के आश्वासन पर यूपी नहीं तैयार, प्रभारी प्रधानाचार्य के आवास से मिला मिड डे मील का 5.5 क्विंटल चावल, तो वीरोखा ब्लॉक के इंटर कॉलेज जोगीमणि का मामला, तो वीरोखा ब्लॉक के इंटर कॉलेज जोगीमणि के प्रभारी प्रधानाचार्य के कमरे से मिड डे मील का 5.5 क्विंटल चावल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रभारी प्रधानाचार्य पिछले करीब 7 महीने से बच्चों के लिए भेजा रहे चावल को स्टॉक कर रहा था। खंड शिक्षा अधिकारी व कॉलेज के प्रबंधक संचालक विवेक पंवार ने प्रभारी प्रधानाचार्य को पद से हटाते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। विद्यालय के दूसरे प्रवक्ता को इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। दून बिहार और बापू नगर बस्ती से अतिक्रमण किया ध्वस्त, स्कूली किताबों में दिखेगी उत्तराखंड की झलक। कोविड अलर्ट, निगरानी बढ़ाने, प्रभावी कदम उठाने के निर्देश, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के लिए उत्तराखंड में पर्याप्त इंतजाम है, किसी भी चुनौती से निपटने को स्वास्थ्य विभाग तैयार है। वर्तमान में 5,893 ऑक्सीजन सपोर्ट आइसोलेशन बेड, 3100 से अधिक प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हैं। दून अस्पताल में कोविड के लिए बना 20 बेड का वार्ड, अब 8 मंजिल तक होगा ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण। ठंडे पड़े पुलिस के इंतजाम, पिकेट से 100 मीटर दूर चोर दे गए वारदात को अंजाम। मृतक आश्रितों की भर्ती को नियमावली में होगा संशोधन, तो प्रदेश के मृतक आश्रितों की को भर्ती के लिए अब सरकार सेवा नियमावली में संशोधन करने जा रही है। अभी सभी भर्ती परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए कराए जाने के कारण यह प्रक्रिया लंबित चल रही है। अकेले पुलिस विभाग में ही मृतक आश्रित कोटे से भर्ती के 100 से अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। इसे देखते हुए गृह विभाग ने कार्मिक विभाग से भर्ती नियमावली में संशोधन करने का अनुरोध करा है। उत्तराखंड में नए वर्ष में आकार लेना शुरू करेगा श्री अन्न पार्क, रिक्त पदों पर जारी हो सकती है वेटिंग लिस्ट, तो प्रदेश में वर्ष 2021 में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर हुई भर्ती के बाद रिक्त रहने वाले 180 पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है। शासन ने इसके लिए पुलिस मुख्यालय को नई भर्ती से संबंधित अधियाचन वापस मंगाने को कहा है। प्रदेश में वर्ष 2021 में कांस्टेबल के 1521 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। आदमखोर वन्य जीव को लेकर के गुस्सा, सब हाईवे पर रखकर जाम लगाया। पुलिस भर्ती में उम्र की बाध्यता को लेकर के दायर याचिका खारिज, तो हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष की बाध्यता को समाप्त करने को लेकर के दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने विनोद भट्ट व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि वह सिविल पुलिस में कांस्टेबल बनने के इच्छुक थे, लेकिन 22 वर्ष से अधिक आयु के कारण वह चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सके। याचिकाकर्ता ने 2022 में हुई चयन प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष की शर्त को चुनौती दी थी। उन्होंने दलील दी है कि आयु सीमा
में 8 साल की छूट की जानी चाहिए, क्योंकि आखिरी भर्ती वर्ष 2014 में हुई थी। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है, चयन प्रक्रिया बहुत पहले ही संपन्न हो चुकी है और विज्ञप्ति सभी रिक्तियां भर दी गई हैं। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी जा सकती। इस आधार पर रिट याचिकाओं को निरर्थक मानते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया। शादी रचा, अगले दिन नकदी लेकर दुल्हन फरार। तो बाजपुर से खबर है, यह क्षेत्र निवासी युवक के साथ शादी रचाकर अगले ही दिन लुटेरी दुल्हन नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। कार खाई में गिरी पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो गई। हाईकोर्ट हल्द्वानी टैक्स बार और हाईकोर्ट लगान ने जीते मुकाबले। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जाए, तो स्नातक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर के इंदिरा प्रियदर्शनी महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने बुधवार को प्राचार्य प्रोफेसर शशि पुरोहित को ज्ञापन दिया। यू सेट के लिए 23 दिसंबर तक करें आवेदन। तो यू सेट 2023 के इच्छुक अभ्यर्थी 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यू सेट सदस्य सचिव प्रोफेसर HCH बिष्ट ने बताया कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर DS रावत के निर्देशों पर छात्र हितों को देखते हुए उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। अब अभ्यर्थी 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा करने की तिथि 26 दिसंबर रात 11:59 तक विस्तारित की गई है। परीक्षा की निर्धारित तिथि 7 जनवरी है। यूसेट की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग। तो यूसेट और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक प्रतिनिधि ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलसचिव दिनेश चंद्रा को ज्ञापन देकर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित की जाने वाली यूसेट की परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूसेट और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा 7 जनवरी को है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें यह दोनों परीक्षाएं देनी है। ऐसे में कई छात्री एक परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने इस तिथि को देखते हुए यूसेट की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग की है। बिजली गुल होने से पानी का भी संकट बना रहा है। सफाई कर्मियों ने 23 से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय नौसेना ने जारी किया विज्ञापन। तो 910 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 92 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 21 सहायक अनुदेशक खेल अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में 226 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए अभ्यर्थी 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ITBP में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 54 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। AI और मशीन लर्निंग के बीच बनाना होगा संतुलन। तो दून में जुटे देश के 18 राज्यों के प्राचार्य और शिक्षक CM धामी ने वीडियो संदेश में कहा, बदलते समय के साथ ऐसे आयोजन जरूरी हैं। हरिद्वार में खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। खेल प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने दिखाया हुनर। विज्ञान शो देख उत्साहित हुए छात्र। एथलीट्स में US नगर और चंपावत बने चैंपियन। पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत और उत्पाद एक साथ दिखेंगे। छात्र बोले, आधा बचा है पाठ्यक्रम का रिवीजन, कैसे बनेगी डिवीजन। तो CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र जान रहे सफलता के मंत्र। साइबर अपराधियों ने देहरादून के 2 लोगों से ठगे 17 लाख रुपए। जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा। शत्रु संपत्ति पर कब्जा करने वाले 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शादी के बाद गाली गलौज कर दहेज की मांग करने का आरोप लगा। घर में खड़ी स्कूटी चोरी। तो देहरादून के क्लेमेंट टाउन से खबर आई है, पेपर देकर लौट रहे छात्र पर हमला किया। 65 विक्रम और टेम्पो का चालान 2 सीज कर दिया। कार में गांजा तस्करी करते महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो रायवाला से खबर आई है, मुख्य आरोपी प्रिंस की निशानदेही से तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए। बैंक से लाखों की धोखाधड़ी का आरोपी इंदौर से गिरफ्तार हुआ। शराब पीकर बस चलाई तो होगा मुकदमा। नाबालिग को भगाने के आरोपी को 3 साल की सजा हुई। काबुल हाउस की संपत्ति कब्जाने वालों पर मुकदमा होगा। सूखी ठंड से मिलेगी जल्द राहत, वर्षा और बर्फबारी के आसार हैं। एल्कोमीटर की जांच के बाद ही करेंगे ड्यूटी। तो शराबी चालक और परिचालकों के विरुद्ध कार्रवाई न होने से उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन नाराज है। डकैती के बाद ट्रेचिंग ग्राउंड में दबाए थे तमंचे और कारतूस।
तिजोरी नहीं काट पाए तो डिस्प्ले में रखे चांदी और चांदी के आभूषण उड़ा ले गए चोर। डांडा लखोंड में गुलदार की दशा तो लोगों में आक्रोश है। अपहरण और षड्यंत्र रचने पर 3 वर्ष का कारावास हुआ। 8 सूत्री मांगों को लेकर के हड़ताल पर रहे दवा प्रतिनिधि। नियम तोड़ने पर 25 विक्रमों का चालन किया गया। भविष्य की शिक्षा को आकार देने में जुटे विशेषज्ञ। देहरादून में अभिषेक कुमार ने जीता दोहरा खिताब। केंद्रीय विद्यालय में खेल और विज्ञान शो में दिखा उत्साह। बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वालों का होगा सम्मान। अब 3 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे छात्र। तो गढ़वाल से नगर गढ़वाल से खबर है, छात्रों से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर के गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल के नेतृत्व में छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक से मिला। वार्ता में छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि स्नातक और स्नातक प्रथम तृतीय पंचम सप्तम और 9वें सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा 20 दिसंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन अधिकांश छात्र अभी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं, इसलिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को तत्काल बढ़ाया जाए। वार्ता में छात्रों की मांगों पर विचार कर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर HM आज़ाद ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 3 जनवरी कर दी है। मरीन ड्राइव को मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। बाल विवाह रोकने को स्कूलों में प्रार्थना में दिलाएं संकल्प। प्रभारी प्रधानाचार्य को हटाया, स्पष्टीकरण तलब की गई। जंगल में मिला कर्मचारी का शव। तो कोटद्वार से खबर आई है, लेंस डाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज के अंतर्गत गिवई बीट में हाथी तालाब के समीप वन निगम में तैनात कर्मी का शव बरामद हुआ है। कर्मचारी मंगलवार सुबह घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक नहीं पहुंचा। 35 नगरों में स्मार्ट मीटर को होगा सर्वे। सम्मेलन में उठे भू कानून और महिलाओं से जुड़े मुद्दे। क्रिसमस और 31st को अल्मोड़ा में 50% बुकिंग। तो होटल और होम स्टे में होने लगे बुकिंग। 15,000 पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। राज्य अधिकारियों ने की आवाज़ बुलंद, सौंपा ज्ञापन। वही खबर द्वारा हाट से इस्पानोली भंटी गांव में गुलदार का आतंक बना हुआ है। अव्यवस्थाओं पर भड़के शिक्षक। तो पांडेखोला स्थित 2 CSE में किए जा रहे सत्यापन के कार्य में कार्य की गति धीमी पड़ी। चेक बाउंस होने पर उपभोक्ता बैंक को देगा 6.72 लाख रुपए। अस्पताल में ताला, उपकेंद्र में उपचार। अल्मोड़ा बेस और जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप हुआ। कनकटे बंदरों के झुंड ने बुजुर्ग को काटा, जख्मी हो गया। तो बागेश्वर से खबर आई है, शिकार करते समय चट्टान से गिरी मादा गुलदार, मौत हो गई। 6वीं शताब्दी के शिव मंदिर को मिलेगी मोटर मार्ग की सौगात। काशीपुर में शिक्षक के घर डकैतों का धावा। तो पिता पुत्र को बंधक बनाकर 42 लाख के जेवरात लूटे। पकड़ने को पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं। दोस्त के साथ चला गया रोहित, ललित की बची जान। तो पटेला में हुए सड़क दुर्घटना में दोस्ती का रिश्ता निभाने में गई रोहित की जान। हादसे में मृत रोहित और शुभम थे अच्छे दोस्त। अपने ही वाहन की चपेट में आने से आकर के चालक की मौत हो गई। वहीं खबर है, एक सड़क पर कार छोड़कर वापस लौट रहे थे ललित। हाईवे पर पाले में फिसल कर खाई में गिरा वाहन। तो पिथौरागढ़ धारचूना NH में एक बार फिर पाले में स्लिप होकर एक वाहन खाई में गिर गया। गनीमत रही कि वाहन में सवार 4 लोगों को गंभीर चोट नहीं लगी। इससे बड़ा हादसा टल गया। सड़क किनारे गहरी खाई, सुरक्षा के इंतजाम तक नहीं है। सामूहिक लोकगीत मिलवा घाट रहा अबल। वही खबर, हरिद्वार से दुकानों में लाखों की चोरी, हमें संदीप से पूछताछ की गई। बच्चों ने मॉडलों में दिखाई प्रतिभा। मनरेगा में सभी ब्लॉकों का सोशल ऑडिट होगा। मसूरी में 22 से पहले ही बना ली जाए खुद ही सड़कें। त्रिवेंद्र के जन्मदिन पर प्रतिभाएं नवाजी गई। मसूरी विधानसभा क्षेत्र पहुंची भारत संकल्प यात्रा। हरिद्वार में 4 दिन तक कई VIP रहेंगे। छात्रा को नशे के प्रति जागरूक किया गया। लिखित परीक्षा 23 दिसंबर से 14 नवंबर में हुई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा द्वारा 23 की लिखित परीक्षा का आयोजन 23, 24, 26 और 27 दिसंबर को राज्य के 14 नगरों में होगा। छात्र के सहारे दुकान में घुसे चोर, कहाँ थी पुलिस। चकराता में 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा रात का तापमान। गढ़वाल के अस्पतालों में कोरोना किट तक नहीं है। संदिग्ध में RT-PCR जांच होगी।
उत्तरकाशी के जंगलों में लगी भीषण आग, बाल विवाह रोकने के लिए उठाए सख्त कदम, बीकेटीसी के निर्माण कार्यों में मिली खामियों पर तत्काल भुगतान रोका। तो गोपेश्वर से खबर आई है, महिला लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बताएं, प्रधानाचार्य सहित कई शिक्षकों का वेतन रोका। तो बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी नौगांव अजीत भंडारिया ने क्षेत्र के आधा दर्जन विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय गडोली के प्रभारी प्रधानाचार्य सहित कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, जबकि 3 शिक्षक बाहर धूप में बैठकर मोबाइल पर व्यस्त मिले। बीओ ने प्रभारी प्रधानाचार्य सहित अन्य शिक्षकों का वेतन रोकने के कार्रवाई की है। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रभारी प्रधानाचार्य को हटाया गया। बाल विकास अधिकारी समेत 4 गैर हाजिर मिले। तो एसडीएम ने गैर हाजिर कर्मियों को का वेतन रोकने के निर्देश दिए। सशक्त भू कानून को लेकर के एकजुट होंगे महिला संगठन। स्थायी निवास से राहत, बरकरार रहेगी मूल निवास की पहचान। गुरिलाओं को आजीविका से जोड़ेंगे। नर्सिंग काउंसलिंग के पूर्व रजिस्ट्रार के खिलाफ जांच शुरू की गई। कांस्टेबल भर्ती में आयु बाध्यता खत्म करने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हुई। महापंचायत में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। अंकित हत्याकांड में पुलकित की जमानत याचिका खारिज हुई। बनभुलपुरा में पिता बेटी से लाखों की ठगी का आरोप लगा। सर्दी का मौसम, आंदोलन से होगा गर्म। कोरोना की आहट पर देहरादून के अस्पताल सतर्क हुए। संदिग्ध मरीजों की आरटीपीसीआर जांच के निर्देश दिए गए हैं। सर्वर ठप होने से नारा शिक्षक समाज कल्याण विभाग पर भड़के। ऑनलाइन मोटी कमाई के झांसे में गवा दिए 17 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर है, नामी कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट हुआ, घर में बन रही थी नकली शराब, आरोपी गिरफ्तार। तो देहरादून से खबर रही है, अपहरण और षड्यंत्र दोषी को 3 साल का कारावास। अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म, तो किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के चंगुल से किशोरी को छुड़ाकर पुलिस ने उसके परिजनों को सुपुर्द किया। पेशी के बाद आरोपी को कोर्ट से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। एम्स में बेड न मिलने से परेशान हो रहे हैं मरीज। स्थायी निवास से राहत, बरकरार रहेगी मूल निवास। रुड़की में राज्य आंदोलनकारियों ने जीएम दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया। कच्ची शराब के साथ 2 गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर आई है, डाकघर में दिन दहाड़े परिवार से ठगी की गई। पुलिस से वार्ता के बाद धरना स्थगित। फैसला चरस रखने पर युवक को 10 साल की सजा हुई। साइबर ठगी होने पर 1930 पर दे सूचना। प्रतिबंधित मांस तस्करी में एक धरा। तो मंगलौर से खबर आई है, लक्सर में बिजली चोरी में 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आदमखोर पर आक्रोश, शव के साथ सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। शव ले जा रहे वाहन के आगे बैठी गुस्साई महिलाएं, डीएफओ को बुलाएं, गुस्सा देख पुलिस भी पीछे हटी। 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे, जंगलिया में भी दस्तक। तो 2 दिन के लिए बबियाड़ के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बंद कर दिया गया है। हल्दीचौड़ में गुलदार दिखने से दहशत मचा। नैनीताल में पालिका कर्मी पर झपटा गुलदार। तो नैनीताल में भी गुलदार की दहशत शुरू हो गई है। बल्दिया खान क्षेत्र में गुलदार ने बाइक सवार नगर पालिका कर्मी पर हमला कर दिया। इस दौरान बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिस पर गुलदार मौके से भाग गया, वहीं पालिका कर्मी घायल हो गए। रामनगर में आज धरना प्रसन्न करेंगे ग्रामीण। 3 मौतों के बाद भी आदमखोर की पहचान करने में जंगलात फेल हुआ। भवाली से डाइवर्ट रहेगा यातायात। अपहरण करने के बाद किशोरी से दुष्कर्म किया, 5 साल की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन किया गया। काशीपुर बार में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय लड़ाई। ट्रक की टक्कर से कार के प्रकच्चे उड़े, 2 लोग घायल। तो किच्छा से खबर आई है, रेंजर और वन कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। बार एसोसिएशन के टूर्नामेंट में हाईकोर्ट ए का जीत से बड़ा आगाज हुआ। नैनीताल में बिना अनुमति नहीं बजेगा डीजे। साल भर जमा होंगे छात्रवृत्ति आवेदन। चंपावत में शाम ढलते ही एनएच पर गुलदारों का झुंड लगा रहा जाम। तो चंपावत में एनएच से लगे सुखी डांग, बड़ोली मानेश्वर में रोज दिख रहे हैं गुलदार। पूर्णागिरी के बाट नागढ़ में पुल बनाने की तैयारी शुरू हुई। हरिद्वार से 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, हरिद्वार में 6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम पारा। 3 जनवरी तक 8 घंटे बिजली कटौती रहेगी। बिना कोविड किट कैसे होगी मरीजों की जांच। प्रदेश में संदिग्ध मरीजों की आरटीपीसीआर जांच शुरू होगी। पार्क और पार्किंग का काम 26 जनवरी तक पूरा करें। हरिद्वार में 4 दिन तक कई वीवीआईपी रहेंगे।
नींद से जगाने वाला अलार्म खतरनाक, तो 74% अधिक रक्तचाप दर्ज किया गया अलार्म के कारण। 32 प्रतिभागियों पर 2 दिन की अवधि के दौरान शोध किया गया। सतत भू कानून को एकजुट होंगे महिला संगठन, राज्य नौकरियों ने आंदोलन को चेताया। मॉल रोड पर वाहन रहेंगे प्रतिबंधित, 3 केंद्रों में प्लास्टिक कूड़े की छटाई जिला पंचायत में होने लगी। क्रिसमस और नए साल के लिए स्वागत के लिए हर्षिल और केदार खंडा तैयार है, धनोटी में 70% होटल बुक हुए। लंबी है प्रभारी प्रांचारी की अनियमितताओं की सूची। शीतकाल के लिए बंद कराए जाए पुनर्निर्माण कार्य, छात्रों के लिए खतरा बना स्कूल के शौचालय का गड्ढा, तो लमगांव से खबर आई है। गुलदार ने टूटे घर को बनाया आशियाना, तो कोटद्वार से खबर आई है, 2 शावकों को जन्म दिया।